भले ही साफ सफाई, सीवरेज का प्लांट करवाना, स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ना, बंदर पकड़ना, लाइट की शिकायत करना, ये सब शिकायतें दर्ज करवाने के बाद उनका समाधान हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने वाली नगर निगम ग्रेटर की वेबसाइट इन दिनों काफी चर्चाओं में है। कुत्ते बहुत हो गए हैं, कुत्ता पागल हो गया है, पकड़वाना है, नाली की सफाई करवानी है, बिल्ली मर गई है, सुअर बहुत हो गए हैं। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर की वेबसाइट पर शिकायत के लिए अब इस तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कंप्लेंट पोर्टल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन ऑप्शंस को देखने के लिए लोग नगर निगम ग्रेटर की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने बताया कि हाल ही में इस वेबसाइट को सिटीजन फ्रेंडली बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिटीजन्स अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज करवाते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बताते हैं, उसको हमने एनालाइज किया और उसके बाद अपनी कंप्लेंट पोर्टल पर हमने ऑप्शंस भी उन्हीं की भाषा में डाल दिए हैं। वेबसाइट के ऑप्शंस दी जाती हैं, वो इस प्रकार से दी जाती हैं, जो शिकायतें जिस भाषा में आम सिटीजन हमें शिकायत दर्ज कराता है उसी भाषा में वो ऑप्शंस होंगी, तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। जो हमारी वेबसाइट पे ऑप्शंस अभी दी जा रही हैं, चाहे वो एनिमल वेलफेयर को लेके हो या वो किसी और सेक्शन की भी हो, तो हमारे जो कंप्लेंट पोर्टल है हमने उसको एनालाइज किया और जिस प्रकार की शिकायतें हमारी कंप्लेंट पोर्टल पे आई हैं उसी प्रकार की हमने ऑप्शंस जो है अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध कराई हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली हो सके। नगर निगम में वैसे तो शिकायत करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप कह सकते हैं कंप्लेंट्स जो कर सकते हैं शिकायत करता है वो आसानी से अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। देखिए ये जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर की वेबसाइट है। अब हम आपको धीरे बताते हैं किस तरह से ये वेबसाइट इन दिनों बहुत ही सुर्खियाँ बटोर रही है। सुर्खियाँ क्यों बटोर रही हैं, क्योंकि आप जब अलग अलग शाखाओं के जो नगर निगम के अलग अलग विंग्स हैं उसमें जाएंगे तो मेन कैटेगरी में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सफाई, रोड, सीवर। इस पर हम देखिए क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज, ये मेन कैटेगरीज है, इस पर तो आप चल जाएंगे। लेकिन इसके आगे जो आप देखिए इसकी सबलेट जो कैटेगरी है उसमें जैसे आप सीवरेज पे आपको गए, आप सफाई पर गए तो आपको यहाँ पर जो देखिए कि एक आम बोलचाल में जो हम कहते हैं कि कचरा का ढेर पड़ा हुआ है हम शिकायत दर्ज कराते हैं, इस तरह की ये आम बोलचाल के अंदर हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में ये लिखा हुआ है और ये पूरी कचरा हटवाना है, जमादार का काम नहीं करता है, ये हम आम जो बोलचाल के अंदर जो शब्दावली यूज करते हैं उसको इस पे कैटेगरी के अंदर डाला गया है। हमारे साथ कह सकते हैं वैभव जी हैं, प्रोग्रामर, जो इस वेबसाइट को उन्होंने तैयार भी किया है मेयर और कमिश्नर के सहयोग से। कितनी हिट हो रही है वेबसाइट अभी? ये 30,000 कल इसमें हिट हो गई है हमारे, तो अभी हम देख रहे हैं कितनी कंप्लेंट्स अभी इसमें रजिस्टर हो गई होंगी, तो 30,000 हिट्स ये हमारे कल में हो गए हैं। इसमें आम बोलचाल की शब्दावली यूज की गई है? बिल्कुल, इसमें जो इंग्लिश हम जो व्हाट्सएप वगैरह पे सोशल मीडिया पे जो यूज करते हैं उसको हमने इसमें यूज किया है। अच्छा अच्छा, किस तरीके से ऑप्शंस हैं इसमें? इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसमें जैसे गार्डन से संबंधित शिकायतें हैं, LED है, और आपके सफाई से संबंधित शिकायतें हैं, तो उन सब शिकायतों को हमने मेन कैटेगरी में और सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेन कैटेगरी में तो हमने सिंपल इंग्लिश रखी है और जो हमारी सब कैटेगरी है उसमें हमने अलग अलग उसमें स्लैंग्स रखे हैं जो इंग्लिश में इसमें दिए। क्या इसका शिकायत दर्ज करा रहे हैं इस तरीके से या लोग अभी इसको देख रहे हैं, किस तरह की? इसमें शिकायत तो दर्ज हो ही रही है, बस इसमें लोग देख भी रहे हैं, तो 30,000 इसमें हिट आ गए लोगों ने कल से इसको पूरा देखा है कि कैटेगरी उन्होंने देखी है कि क्या क्या कैसे कैसे हमने नवाचार इसमें किया है। वैसे तो नगर निगम का काम सफाई करना है लेकिन हिट हो रही है आपकी वेबसाइट जैसा? बिल्कुल। देखिए ये आपने वेबसाइट भी देख ली और जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ग्रेटर की वेबसाइट है जो इन दिनों हिट हो रखी है। हिट क्यों हो रखी है? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन जो सब कैटेगरी दी गई है उसमें आम बोलचाल जो हम घर में यूज करते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर दिखाई गई है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा सकता है। हालांकि सॉल्यूशन कितने दिन में होता है और कैसे होता है ये तो समय ही बताता है, लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों ये वेबसाइट सुर्खियां बटोर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया।